भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें भाजपा की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। आज राज्य के कुछ चर्चित चेहरों को टिकट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी, मेनका गांधी, बृजभूषण शरण सिंह और संगमित्रा मौर्य की सीट पर कोई नाम नहीं जारी किया गया है और इसके बाद से लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि पार्टी इनको टिकट नहीं देगी और इनका टिकट अब कट सकता है। ऐसे में सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य समेत टिकट के अन्य दावेदार ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। बताते हैं कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को बैठक हो चुकी है और मंथन भी किया जा चुका है। जल्द ही तस्वीरें साफ होती हुई भी नजर आएंगी। आपको बताएं, मौजूदा सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य और बिलसी विधायक हरीश शाक्य और तमाम अन्य दावेदार ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। अपने अपने करीबी बड़े नेताओं के वो संपर्क उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे में टिकट पर भी सस्पेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, बीजेपी की जारी लिस्ट में बीजेपी सांसद वरुण गांधी, मेनका गांधी, बृजभूषण शरण सिंह और जनरल वीके सिंह का भी नाम नहीं है। अब ऐसे में इनके टिकट को लेकर सस्पेंस चल रहा है। वहीं मौजूदा समय में वरुण गांधी पीलीभीत सीट से, मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से, बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य बदायूं और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं और ये सब बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। अब ऐसे में वरुण गांधी को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया। आपको बताएं, दरअसल बीते 5 साल में वरुण गांधी कई बार बीजेपी के खिलाफ बात करते हुए दिखाई दिए और वहीं उनकी मां मेनका गांधी को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई। देखा जाए, बीते दिनों कुश्ती खिलाड़ियों को लेकर उनके विवादों में रहे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी बीजेपी अब चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है। बीते दिनों में विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर भी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। अब देखना रोचक होगा कि दूसरी सूची में इनको लिस्ट में क्या मिलता है या बीजेपी नए चेहरे को फिर से सामने ला सकती है। अगर ऐसे में इन चेहरों को टिकट नहीं मिला तो ये चेहरे हो सकता है इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए भी नजर आए।